नमस्कार साथियों, आशा की बगिया चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, मार्च के महीने में बगिया के अंदर क्या चल रहा है, आज की वीडियो में यह जानेंगे। तो साथियों, ये आप एरिया देख रहे हैं, ये हमारे मेन गेट के सामने वाला एरिया है और यहाँ पर बिना ज़मीन को छेड़े कुछ बीज बो दिए थे तो लंगूर आया था, हालांकि वो ख़राब कर गया है। ये आप देख रहे हैं लोभिया, और ये देखिए, ये पूरा फूलों से भरा हुआ था लेकिन इसको ख़राब कर गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये लाइव मल्चिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि धूप से ज़मीन को ढके रहते हैं। यहाँ पे और भी है, काफ़ी लगना शुरू हो गए थे। ये देखिए, फलियाँ लग रही हैं, ये देखिए, यहाँ पर ये रहे। और इसी एरिया को हम अगर इधर से देखते हैं तो आप ये देखेंगे, ये नीम लगा हुआ है, मीठा नीम, और इधर ये मोगरा है। परसों आंधी आई थी, हल्की बूंदाबांदी भी आई थी, तो ये पूरी बेल गिर गई थी यहाँ पर, तो इसको बांध दिया गया है। और यहीं पर काफ़ी चीज़ें हैं और भी उग रही हैं यहाँ पर, चलिए उधर साइड से देखते हैं। ये देखिए, ये तोरी अपने आप उगी है, और यहाँ ये देखिए भिंडी भी निकली हुई है। और ये यहाँ पर एक बेल लगी हुई है, और ये परवल के बीज मैंने यहाँ फेंक दिए थे, तो ये परवल की बेल है, ये देखिए, तो ये अपने आप उग गई है यहाँ पर। और भी यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, आप ये देख रहे हैं, अनार देख रहे हैं, ये खुद ही उगे हुए हैं। यहीं पर ये आप पाम देख रहे हैं, ये पाम भी देखिए कितना अच्छा चल रहा है, हालांकि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन देखिए कुदरत ने इसकी कैसी व्यवस्था की है। इधर ये बहुत सारे पेड़ आ गए हैं, और इधर चारों ओर इसके घना ये जंगल टाइप का कुदरत ने बना दिया है इसको बचाने के लिए, तो ये छांव में रहता है आजकल। हालांकि इसने एक वर्ष काफ़ी संघर्ष किया था, ये बढ़ नहीं रहा था, लेकिन अब इसने बढ़ना शुरू कर दिया है। अब इस पोर्शन को देखते हैं साथियों, यहाँ पर तो यहाँ पर भी काफ़ी रोचक चीज़ें हैं। ये अनार का पौधा आप देख रहे हैं, ये खुद ही उगा था। यहाँ पर आप देखेंगे मधुमक्खियाँ, ये बहुत छोटा सा एरिया है, ये देखिए आप देख पा रहे हैं मधुमक्खियाँ हो रही, ये देखिए, देखिए कितना प्रकृति संघर्ष करती है। यहाँ पर धूप आती है पूरी, ये देखिए, ये इसको छेड़ा नहीं है मैंने, यहाँ पर गेंदा लगा हुआ था तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। और यहाँ पर हमने गाजर की कटिंग लगाई थी, चुकंदर की कटिंग भी लगाई थी, लेकिन वो नहीं ग्रो कर पाई, और ये गाजर कर रही है। हालांकि ये बिल्कुल टूटा हुआ है, तो यहाँ पानी भी नहीं ठहरता है, तो फिर भी ये संघर्ष कर रही है। अब इधर से साथियों, ये एरिया इधर पॉट्स वाला एरिया है, गमले रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये साग सब्जी यहाँ पे बोई जाती हैं। तो उससे पहले हम इस एरिया को देखते हैं, तो ये फ़िलहाल सबसे सुंदर और सबसे जीवंत एरिया यही है। ये आप देख रहे हैं, ये भी कटिंग से ही गाजर लगाई थी मैंने, छोटी छोटी कटिंग लगा दी थी, तो देखिए कितना ये शानदार ये चल रहा है। यहाँ ये बैंगन, ये साल भर पुराना हो चुका है, तो और ये देखिए गुलाब, कितना प्यारा ये गुलाब यहाँ पर हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये तो ये गुलाब की भी सुरक्षा कर रहे हैं गर्मी से। यहाँ पर मैंने काफ़ी ट्राई किया था, लेकिन गुलाब कभी हुआ नहीं, और ना ही कभी पुदीना हुआ, तो देखिए पुदीना भी इसमें अच्छे से चल रहा है, और चारों ओर पुदीना है इसके। जब ये गाजर हट जाएंगी यहाँ से तो पुदीना भी हो जाएगा। वो बैंगन पड़ा है, हम बैंगन अब खा नहीं पा रहे हैं, इतने बैंगन हो गए हैं। तो ये देखिए कितने प्यारे ये गुलाब, आँखें तरस गई थी ऐसा दृश्य देखने के लिए मेरी। तो ये लगभग 30 सालों की मेहनत में, ये जंगली तरीके से मैंने जब ये प्रयोग किया, तो मुझे ये गुलाब देखने को मिले हैं। और यहाँ पर कुछ नर्सरी तैयार हो रही हैं, लेकिन साथियों इस बार मौसम इतना ज़्यादा अप डाउन रहा है कि कभी गर्मी तो कभी सर्दी कभी बरसात, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। पौधे उगे नहीं हैं, जो उग गए हैं वो मर गए हैं, आगे उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। यहाँ पे ये आप सहजन देख रहे हैं, और इस सहजन के नीचे
आप गुलाब की कटिंग देख रहे हैं, ये रखिए, ये देखिए। ये साथियों बहुत बड़ी बात है ये कि बिना किसी सुरक्षा कवच के यहाँ पर कोई भी कटिंग यहाँ पर चल रही है। ये नागौर राजस्थान का एरिया है और इसको मैंने सर्दियों में लगाया था। ये ड्रैगन फ्रूट है तो ये लगभग 1.5 महीने पहले ये यहाँ पे इतना सा था, ये पत्ती जो देख रहे हैं इतनी सी थी और ये 1.5 महीने की ये इतनी ये ग्रोथ है इसकी। तो ये बहुत ही बढ़िया इसमें चल रहा है। ये अश्वगंधा नागौरी, इसके बीजों को मोर बहुत अच्छे से खाते हैं, छुप छुप के खा जाते हैं। तो इधर देखते हैं तो ये बैंगन, बैंगन लग भी रहे हैं, ये देखिए। ये कुछ ऐसा उखड़ा उखड़ा सा इस वजह से हो रहा है कि एक तो यहाँ पर पूरी धूप रहती है, सुबह से लेकर शाम तक धूप रहती है। दूसरा, मैं पानी नहीं दे पाई थी बीच में तो ये एकदम से मुरझा गया था, तो इसकी वो पत्तियाँ उतर गई, अब ये नई वापस पत्तियाँ आ रही हैं। और वैसे भी मैं इन बैंगनों से बोर हो गई हूँ। और ये साथियों देख रहे हैं आप, ये गौ माता के गोबर से इन पर कोटिंग की गई है और ये एक प्रयोग के तौर पर यहाँ पर रखे हुए हैं कि धूप को ये कितना सहन करते हैं। तो इसमें एक ककड़ी भी हो रही है, बाकी ये घास फूस ये सब चल रहा है इसमें। और ये भी गाय की कोटिंग वाला ही है गमला, तो इसमें ये लाल भाजी हो रही है। इसमें दूसरी सब्जियां भी लगाई थी मैंने लेकिन वो ग्रो नहीं कर पाई हैं, ज़मीन पे भी ग्रो नहीं कर रही हैं। और ये यहाँ पर इसमें ये ग्वार लगा हुआ है लेकिन ग्वार की बढ़त नहीं है, लगभग ये महीने भर का ग्वार हो गया लेकिन बढ़ नहीं रहा है, इस बार ग्रोथ नहीं है बिल्कुल। तो मैंने भी इनका पीछा छोड़ दिया है कि अब जो चल रहा है ठीक है। ये पालक पक चुका है लगभग, ये गमलों के अंदर है साथियों। ये तो अब इधर साइड इधर रुक करते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये टमाटर, तो ये लगभग अब ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी टमाटर का सीज़न नहीं है, तेज़ धूप पड़ती है, लू है, लू शुरू हो चुकी हैं। और इधर आप ये सहजन देख रहे हैं, हालांकि मुझे सहजन की एक वीडियो बनानी थी लेकिन थोड़ी तबीयत गड़बड़ कर रही है इस वजह से मैं बना नहीं पा रही हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे साथियों ये नई नई ये फलियाँ इस पर यहाँ ये निकल रही हैं। और इधर आप नीचे की साइड में देखेंगे तो ये फलियाँ पक के तैयार हो चुकी हैं, यानी कि आना और जाना दोनों लगातार हो रहा है। ये देखिए, यही हमें अपनी खेती में स्थापित करना है कि आना और जाना बराबर चलता रहे, जिससे कि आमदनी भी उसी हिसाब से हमारी होती रहे। अब आगे देखते हैं साथियों, ये घास देख रहे हैं आप, तो इस घास का बहुत अच्छा उपाय है कि इस घास पर मल्चिंग कर दी जाए तो ये घास यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं इस पे मल्चिंग करूँगी लेकिन उससे पहले ये काफ़ी नीची है ये क्यारी, तो इसको थोड़ा ऊंचा भी करना है मुझे। यहाँ पे मैंने प्रयोग किए थे, 10 साल खाद देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन मेरी खुद की गलतियों की वजह से, लापरवाही की वजह से ये प्रयोग सफल नहीं हो पाया। तो ये तो मैं अब अपने फार्म हाउस पर ही करूँगी, इसका प्रयोग यहाँ नहीं करूँगी। तो यहाँ पर हमने कुछ बीज डाले थे, इसकी वीडियो भी अपलोड की थी लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। ये देखिए इस घास के अंदर ये लोबिया देख रहे हैं आप और इसी के अंदर ये भिंडी देख रहे हैं और कुछ लोबिया कुछ दूसरी चीज़ें भी यहाँ पर लगी हुई हैं। यहाँ एक अच्छी चीज़ उग रही है, यहाँ पर मैंने कुछ गराडू और कुछ वराही कंद डाल दिए थे। तो देखिए गराडू ये देखिए निकल रहा है, ये देखिए अभी वराही कंद निकले नहीं हैं, तो ये इन पौधों के नीचे हैं। और यहीं पर कल मैंने कुछ हल्दी अदरक भी डाल दी है, तो देखते हैं। और यहाँ पर साथियों ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर कोई कह नहीं सकता कि महीने भर पहले यहाँ पर गेहूँ खड़े हुए थे, वो गेहूँ का आप अपशिष्ट देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ये ज़मीन एकदम साफ सुथरी है। इसी तरह से हमने राजू टाइटस जी के फार्म हाउस पर भी देखी थी कि नीचे से ज़मीन एकदम साफ रहती है, ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ कुछ पैदा हुआ ही नहीं है। और यहाँ पर ये गेहूं का ये आप देख रहे हैं, मेथी थी, गेहूं थे, तो यहाँ पर भी हमने बोए थे
वीडियो भी बनाई थी, फिर हमें लगा अब क्या बनाएं, ये सब जो खा रहे हैं इसमें जीव जंतु, भिंडी भी लगी हुई है। इधर साथियों आप देख रहे हैं बैंगन और कुछ कैनेडुला हैं, और सामने उधर पालक है, और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये देखिए गुलाब की कटिंग कितनी प्यारी ये हो रही है, और कुदरत ने इनको अच्छे से कवर कर रखा है ताकि ये कटिंग्स ग्रो करें। और यहाँ पर भी आप देखेंगे ये बैंगन है, बैंगन लग रहे हैं ये देखिए, और यहाँ पर ये सुबबूल, और इस पर ये चढ़ा हुआ है कुंदरू, और यहीं पर आप ये बैंगन का पौधा देख रहे हैं, बहुत ही तगड़ा ये बैंगन का पौधा था, लेकिन बंदर आए और इसको ख़राब कर गए, और इस पे पकने के लिए मैंने